इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने कई बार अपनी पत्नी से घड़ा उठवाने की अर्ज की, लेकिन मदनावत ने स्वीकार नहीं की। चुपचाप खड़ी रही और फिर कहने लगी कि पतिदेव, आप भंगी के घर का पानी भरते हैं और मैं पंडित के घर का पानी भरती हूँ। किसी का धर्म बिगाड़ना ठीक नहीं। अगर यहाँ कोई नहीं देखता तो कम से कम भगवान तो देखता है। मैं आपके इस मटके को हाथ नहीं लगा सकती। तो हरिश्चंद्र क्या कहता है और रानी क्या जवाब देती है? एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को ना ठाया, गड़ाठुआ के हाथ धोलिए, के बिगड़ेगा तेरा, तेरे घड़े के हाथ लगा दूं ते धर्म बिगड़ जा मेरा। धर्म कर्म के बारे में मन पट्या को न बेरा, ते कपड़े ना लाए मैं हो, लते कपड़े ना लाए, नान भंगी का खाया, एक जगह रह के पिया जी किसने गत बचाया। एक बैरानी घड़ा ज्यादा जाथर थोड़ा मैं क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। कौन सी विधि मने बतलावे अपना भरम मिटा ले। जल में गोता मारन का तनयो के जतन बताया, और तड़ने हो के ठाले तू इतना दुख पाया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया, शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी घट जागी मेरी काया। हाँ शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी घट जागी मेरी काया। ओ, 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 ओ।
प्यार से मदनावत ने कह दिया कि पियाजी मैं घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक विधि बता सकती हूँ। कि क्या विधि है? कि गोटे गोटे जल में इस घड़े को तिरा दो और फिर डुबकी मार करके घड़े को सिर पे लेकर के और खड़े हो जाओ, इस प्रकार से ये घड़ा उठ सकता है। तो हरिश्चंद्र कहता है कि प्रिय मुझे तुम क्यों पहाड़े पढ़ा रही हो, भला इस तरह से कहीं घड़ा उठ सकता है? मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि घड़ा उठवा करके नहा लेना, धो लेना, क्या घट जाएगा किस तरह से? भला हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए, फिर नहा लिए जल में। पड़े पे धोखा देगी फर्क आलिया दिल में, उस मानस आके कर ले दो तुरंत बदल जा पल में। भला समय समय के खेल बावड़ी हो, समय समय के खेल बावड़ी ढलती फिरती छाया। सत का बंधन जीव के जुम्मे जन्म लिए ते हो जा, सोच समझे ओ साजन तू सुक्रम का फल बो जा। नहीं अगत की जो बात विचार है राह में कांटे बो जा, उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो गुरु मान सिंह दुख विपता का रे कितना समय बकाया।